गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। ठीक है, पर डे की भांति आज हम लोग भी अपने पेपर से कुछ जानेंगे। तो ये तो क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जानना क्या है अनिवार्य से। ठीक है, ये बी डॉट बी एड डी डॉट ई एड डी डी एड, इसके साथ साथ एमएड एक पोस्ट होता है, एमएड के लिए भी जरूरी जरूरी है, अनिवार्य है। और उसको भी छोड़िए, ठीक है, अपने आप में जानना भी क्या है अनिवार्य है। नहीं तो पता चले कि हम पूरा बुक को पढ़ लें, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे उसमें की कंटेंट है, कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हम समझने में क्या है असमर्थ है। हम जिस चीज पे रहते हैं, जहां पे रहते हैं, जिस कास्ट के हैं, जिस कम्युनिटी के हैं, जिस सोसाइटी के हैं, उसका हमें डिफिनेशन मालूम नहीं है। तो हमें पढ़ने लिखने से क्या कुछ बेनिफिट है? ठीक है, अब आपके चैप्टर में, ठीक है, ये समझिए यूनिट क्या है, यूनिट 3 है, ठीक है, बीएड और डीएलएड दोनों में काम करेगा। यहां पे एक फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर की है, ठीक है। अब इसमें है कि परिवार समाज समुदाय, कहने का तात्पर्य फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली का डिफिनेशन क्या है, उसके बाद समाज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं कि सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, इसको भी हमको तो जानना जरूरी है। इसके साथ साथ आता है क्या समुदाय, समुदाय किसे कहते हैं, उसको भी क्या है हमें जानना है। इसके साथ साथ कुछ और इसमें क्या है महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण वर्ड है, शब्द है, सेंटेंस है। अब जैसे मानते हैं इसमें आप लोग नाम सुने हैं औपचारिक, औपचारिक का नाम सुने हैं जिसको बोलते हैं क्या फॉर्मल, फॉर्मल। उसके बाद होता है क्या अनौपचारिक, इसको क्या बोलते हैं इनफॉर्मल। उसके बाद क्या है निरोपचारिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या नॉन नॉन फॉर्मल। स्पष्ट दिखाई दे रहा है सभी को, समझ आ रही है जी? जब समझ नहीं आएगा तो साथ ही साथ पूछते चलिएगा लोग। जहां किसी को कोई तकलीफ है वहां पे आप लोग बोलिए। अब ये नहीं कि घर पे जाने के बाद क्या कीजिएगा, इसको आप समझिएगा, सोचिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे, हम आगे बढ़े। तो हमको जानना है फर्स्ट में क्या परिवार समाज समुदाय, औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक। एग्जाम में भी जाता है कभी कभी, एग्जाम में भी पूछता है टिप्पणी के तौर पे, पूछेगा तीन चार ठो टिप्पणी का क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइंड कीजिए, परिभाषित कीजिए। लेकिन परिवार की बात है कि परिवार भी आप लोग सुने होंगे, एक होता है क्या एकल परिवार जी बबीता। अच्छा, बहुत अच्छा, संयुक्त परिवार, इसका भी आप लोग नाम सुने हैं कि एकल परिवार क्या है और संयुक्त परिवार क्या है जी प्रिंस। क्या तुम तो अपने मम्मी पापा के अकेले होते, तुम तो अकेले परिवार के समान हो। अच्छा, कभी नाम सुना है? आप सभी से पूछ रहे हैं, आप लोग ऐसे ऐसे सेंटेंस का तो नाम सुने हैं, लेकिन इसको डिफाइन करने में क्या है कुछ कठिनाई है, कुछ डिफरेंस है। तो आप साथ ही साथ क्या कीजिए, इसको नोट करते चलिए, ठीक है। परिवार समझ लिए कि एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसको आप लोग क्या कीजिए नोट करते चलिए। हम लिखते चलते हैं, बोलते चलते हैं, आप इसको क्या कीजिए नोट करते चलिए।
ठीक है। समुदाय क्या है? तो सबसे पहले हम जाने कि समुदाय किसे कहते हैं। कॉपी में लिखिए आप लोग समुदाय, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अब देखिए समुदाय की बात करते हैं, समुदाय ठीक है, इसका डिफरेंस नेशन लिखिए आप कि समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं, बोलिए, सुने हैं। चलिए देखिए इसको लिखिए, एक निश्चित स्थान पर कम या अधिक, एक निश्चित स्थान पर कम या अधिक संख्या में रहने वाले व्यक्ति। क्या यहां तक देखें, एक निश्चित स्थान पर कम या अधिक संख्या में रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो केवल हमें डिफिनेशन जानने से का कोई बेनिफिट नहीं है। अब क्या करें, एक निश्चित स्थान पर कम या अधिक संख्या में रहने वाले व्यक्ति को, यूनिटी को क्या कहते हैं, कास्ट को हम समुदाय कहते हैं। केवल रटने से दिमाग में क्या होगा, नहीं सेट करेगा। अब इसका एज भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा। अब एज में क्या है, अब बताइए आप लोग एग्जाम्पल। अब जैसे हम देखते हैं, कोई बोलेगा हाँ प्रिंस बोलो जी, बबीता बहुत अच्छा, हाँ जैसे बबीता बोल रही है कि समुदाय एक निश्चित स्थान पर कम या अधिक संख्या में रहने वाले कास्ट जाति व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अब जैसे समुदाय, दो चार तो समुदाय का नाम बताओ प्रिंस। अच्छा हाँ संतोष, चलिए संतोष जी बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या इसके साथ मान लिए ईटीसी इत्यादि। ठीक है, आप लोग इसके साथ साथ सुने होंगे, किसी बस्ती में जाते होंगे, ये इस कास्ट के क्या है, समुदाय ज्यादा है, इस समुदाय के लोग क्या है, ज्यादा है। मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, यहां पे ज्यादा है। और मुस्लिम कम्युनिटी में कौन सा, सिख, पैठान, जैसे मेरा कास्ट गद्दी, जुलहा, धुनिया, अनेक आते हैं। इसी तरह हिंदू कास्ट में, हिंदू कम्युनिटी में भी उसमें क्या है, अनेक कास्ट है, अनेक जाति है। अब जैसे कोहरी, जिसको हम कुशवाहा बोलते हैं, जायसवाल बनिया बोलते हैं, शर्मा बढ़ई को बोलते हैं, लोहार कास्ट है शर्मा में आता है, साहू ठीक है, ऐसे क्या आते हैं, भुइयार, कायत, पंडित, ब्राह्मण। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिस कास्ट को, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं। इस समुदाय की क्या जनसंख्या ज्यादा है, तो हम समुदाय किसको बोलते हैं, एक निश्चित स्थान पे कम या अधिक संख्या में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। अक्सर वहां पे क्या होता है, एक ही समुदाय की, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि क्या होता है, किसी किसी समुदाय में ऑल जाति के लोग होते हैं, पांच में हिंदू रहेगा, पांच में मुस्लिम रहेगा, पांच में सिख रहेगा, पांच में ईसाई। अब फिर इसको भी डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें भी पांच पांच को, दो दो को, एक एक को मिल जाएगा। अब पांच में हिंदू है और पांच में पता लग रहा है फाइव जात है, पांच वो कास्ट है, शर्मा है, कुशवाहा है, तेली है, जायसवाल है, पटेल है, कुर्मी जिसको बोलते हैं, इस तरह क्या है, अनेक जाति है। ठीक है, आपके दिमाग में हो गया कि इतना कम से कम, अगर आपसे कोई पूछे कि समुदाय का डिफिनेशन क्या है, तो डायरेक्ट आपको इतना बोला कि एक निश्चित स्थान पे
कम या अधिक संख्या में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दीजिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, ये सब क्या है, समुदाय। उसके बाद आता है क्या, हम आपको बोले थे कि हाँ फैमिली, परिवार। परिवार को सो आरोप सुना है, परिवार समाज की क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, परिवार क्या है, परिवार समाज की एक सबसे छोटी इकाई जो संस्कार के माध्यम से निर्मित होती है। चलिए इसको लिखिए, परिवार जी, नोट करते चलिए। अब परिवार, परिवार जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो परिवार क्या है, एक निश्चित स्थान पे, ठीक है, हो गया है वो परिवार लिखा जाए तो लिखिए परिवार, समाज की क्या है, परिवार समाज की सबसे सबसे छोटी क्या है, इकाई है, इकाई है। परिवार समाज की क्या, सबसे छोटी इकाई जो संस्कार के माध्यम से क्या होती है, माध्यम से निर्मित होती है, निर्मित होती है, निर्मित होती है, जिसके अंतर्गत पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, यहां पे किसी को आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो यहां पे हम देखिए परिवार, फैमिली, इसका डिफरेंशन। परिवार क्या है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार क्या है, परिवार समाज की सबसे छोटी जो संस्कार के माध्यम से क्या होता है, उसका निर्माण होता है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है, निर्मित होता है, जिसके अंतर्गत पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। हम समुदाय में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तब तो सबको हम लेकर चलेंगे। परिवार के देखते हैं कि हर परिवार में क्या होता है, किसी का बोलते हैं कि किसी का परिवार क्या है, स्मॉल है, किसी का परिवार बड़ा है, किसी का परिवार छोटा है, किसी का परिवार क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो परिवार को हम समझ लिए, परिवार क्या है, परिवार क्या है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जो संस्कार के माध्यम से क्या होते हैं, निर्मित होती है, इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन परिवार भी है जिसको भी दो भागों में हमने क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। कौन बताएगा, परिवार है, परिवार को भी हम लोग क्या कह रहे हैं, दो भागों में डिवाइड किए, तो कौन कौन सी परिवार है, कोई बताएगा जी, बबीता बोलिए। अरे आप ही सबसे तो उम्मीद है, जब तक आप लोग नहीं कुछ बोलिए तब तक मजा नहीं आएगा, आपने भी कुछ बोलिए, आपसे तो हम सीखते हैं, हम आप लोगों को कौन बोलता है कि हम आप लोगों को सिखाते हैं, वैसा बात ही नहीं है। आप लोग से क्या करते हैं, कुछ लर्निंग हम करते हैं, कुछ अधिगम हम करते हैं, कुछ सीखते हैं, और आप लोग से ही सीखी बात को हम फिर से क्या करते हैं, रिप्ले करते हैं, फिर से बोलते हैं, जिसको फिर क्या करते हैं, आप सीखकर कुछ अनुकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे है क्या, परिवार की बात है, तो परिवार को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। परिवार को किसके भाग में डिवाइड किए, परिवार को दो भागों में बांटते हैं। परिवार को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या, एकल परिवार। फर्स्ट आपका जो परिवार होगा कौन सा परिवार होगा, एकल परिवार होगा। कहां ध्यान है जी, प्रिंस कहां ध्यान है, इसी तरह हम वक्त चल रहे हैं, क्या करने आए हैं आपके, ध्यान दिया।
चलिए फर्स्ट में क्या आ गया एकल परिवार, और सेकंड है उसमें क्या है देखिए संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं बताइए। तो एकल परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके खुद बच्चे होते हैं। चलिए नोट करते चलिए। अब एकल परिवार दिखाई दे रहा है देखिए, एकल परिवार उस परिवार को कहा जाता है। एकल परिवार किसे कहा जाता है, एकल परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें जिसमें पति पत्नी और खुद के उनके बच्चे रहते हैं जी। ठीक है, अरे कहने का तात्पर्य कि एकल परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें पति पत्नी और खुद के उनके बच्चे रहते हैं। किन के? अब जैसे मैं हूं, अपना ही बात है, जैसे आप ही लोग किसी को ले लीजिए, तो जैसे हम हमारी पत्नी हमारे एक दो को जो बच्चा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे एकल परिवार बोलेंगे, और एक भी बच्चा उसके साथ कोई दूसरा इन्वॉल्व हो गया, अब जैसे मेरा भाई का, मेरी बहन की, किसी दोस्त का, किसी समाज की, उसको क्या करेंगे एकल परिवार हम नहीं बोल सकते। तो इतना ध्यान रखना कि एकल परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें पति पत्नी और उनके खुद के बच्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं एकल परिवार। किसी को दिक्कत? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, हम बोल रहे हैं ठीक है, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, देखिए संयुक्त परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे के साथ माता पिता चाचा चाची दादा दादी तथा इनके बच्चे एक साथ रहते हैं जी। ध्यान दीजिए, देखिए एकल परिवार तो हम क्या देखें, एकल परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें पति पत्नी और खुद उनके बच्चे हैं। अब जैसे प्रिंस की बात है, अब जैसे प्रिंस की पत्नी है और उसका एक दो बच्चा और खुद, ठीक है, वो वर्तमान में क्या है ज्यादा चल रहा है, एकल परिवार इसका प्रचलन क्या है ज्यादा है, शादी ब्याह हो गया, नौकरी हो गया, पति पत्नी को लेकर हम क्या करते हैं बच्चे को लेकर शिफ्ट हो जाते हैं किसी शहर में किसी स्थान पे, ठीक है। और ये परिवार क्या है, एकल परिवार क्या है, खुशहाल परिवार है। इसमें होता क्या है कि उनकी जो आवश्यकता होती है आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है आसानी से हो जाती है, उसमें ज्यादा समस्या की क्या होती है नहीं खड़ा हो पाती है। वहीं अगर संयुक्त परिवार है उसमें क्या होता है अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है, अनेक सामग्री की जरूरत होती है, अनेक आवश्यकता की पूर्ति होती है जो क्या होती है अलग अलग सभी की होती है। लेकिन वर्तमान में क्या है एकल परिवार ज्यादा चल रहा है, ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा प्रचलन है, शादी ब्याह हो गया, खुद क्या किया शिफ्ट हो गए पति और पत्नी दोनों की से। लेकिन संयुक्त परिवार क्या, संयुक्त परिवार में क्या होगा पति पत्नी के साथ साथ उनके बच्चे तथा उनके साथ दादा दादी चाचा चाची फूआ मौसी जितने भी समझ लो और खुद उनके भी बच्चे होते हैं, सब क्या करते हैं एक साथ रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं संयुक्त परिवार बोलते हैं।
ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। इसलिए परिवार क्या है, अब परिवार का डिफिनेशन भी हम लोग जानते हैं और परिवार को हम डिवाइड भी किए, तो इसको भी हम समझ ले क्या के ये परिवार की कौन कौन सी प्रवृत्ति होती है, इनकी कौन कौन सी सोच होती है और कैसे परिवार में रहने पे क्या है वर्तमान में आज बेनिफिट है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, समुदाय भी हम देखे थे, एक निश्चित स्थान पर कम या अधिक संख्या में रहने वाले व्यक्ति को क्या होते हैं, समुदाय बोलते हैं, ठीक है। इसके देखिए अब निर्माण कैसे होता है, मैं टाइगर नोट में देखिए, नोट मैं टाइगर के मत के अनुसार क्या एक एक मनोवैज्ञानिक है जो मानसिकता के तौर पे क्या करते हैं, अनुभव करते हैं उस सकल सूरत एक्टिविटी देखकर भी क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और सबकी क्या आवश्यकता अलग अलग है, कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी समान आवश्यकता है और एक दूसरे से क्या है उसका रिलेशन है, एक दूसरे व्यक्ति क्या करता है उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगर मानते हैं कि हम ही को देख ले, अगर हम टीचिंग करते हैं तो बच्चे की पढ़ने की जरूरत है तो बच्चा को हम पढ़ाएंगे, तो केवल पढ़ाने से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कृषि कार्य करता हो, अगर कृषि से कुछ उत्पन्न होगा तब तो हम भोजन करेंगे। तो माइकाइवर के मत के अनुसार इसको ने क्या किया कि समाज समुदाय परिवार को दो भाग में डिवाइड करते हुए देखा कि इसका क्या तुलना कैसे किया जाता। तो देखिए माइकाइवर के मत के अनुसार भारत में कितने, भारत एक समाज है, देखिए इसके दो भागों में डिवाइड किया गया समाज तो देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, जैसे देखिए लिखिए भारत एक समाज है लेकिन इसको दो भाग में हम डिवाइड किए, कौन कौन से, एक ग्रामीण और एक शहरीकरण, ठीक है। देखिए अब समझिए कि यहां पर शहरी समुदाय आए हो क्या, ग्रामीण समुदाय, ठीक है। समुदाय को भी कितने भाग में डिवाइड किया गया, दो भाग में, भारत क्या है एक समाज है और उसका क्या है एक अंग समुदाय है, लेकिन जिसको दो भागों में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, किसके अनुसार, माइकाइवर के मत के विचार के अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए अब जिसे शहरी समुदाय होगा और ग्रामीण समुदाय होगा, ठीक है। अब शहरी समुदाय का क्या पेशा है और ग्रामीण समुदाय का पेशा, अब जिसे देखिए यहां पर लिख रहे हैं शहरी समुदाय, अब शहरी समुदाय को भी दो भाग में डिवाइड किया गया और यहां पे है क्या ग्रामीण, ग्रामीण समुदाय, इसको भी हम लोग क्या किए दो भाग में डिवाइड किए। सबकी क्या है पेशा अलग अलग है, सबका सोच अलग है, सबका वर्क अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए कि शहरी समुदाय का क्या है और ग्रामीण समुदाय, शहरी कहने का मतलब कि समुदाय है, सबका वर्क भी क्या होता है अलग अलग। अब शहरी क्षेत्र के लोग कौन सा कार्य करते हैं, अब शहर में खेती गृहस्थी करेंगे, तो शहरी लोग का क्या होता है कौन सा वर्क होता है, अब ग्रामीण लोग, अब शहरी लोग क्या करते हैं नौकरी व्यवसाय, इनका क्या है मुख्य पेशा है इनका मुख्य, ठीक है, क्या इनका मुख्य पेशा है। अब जैसे ये हैं ग्रामीण समुदाय और इनकी मुख्य पेशा क्या है बोलो, ग्रामीण समुदाय को क्या कहते हैं अक्सर देखिए यहां पे कृषि कार्य, और क्या कहते हैं कृषि कार्य या गैर कृषि, गैर कृषि मतलब गैर कृषि में आ जाएगा खेती गृहस्थी के अलावा जो कुछ दूसरा वर्क हम जैसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं गैर कृषि कार्य। अब जैसे धान गेहूं सब्जी बैगन आलू मटर
चना इत्यादि उत्पादित हम करते हैं तो उसके बोलते हैं कृषि बोलते हैं। और गैर कृषि में आ गया, अब कौन सा कार्य आ गया, जैसे देखते हैं कि राजमिस्त्री मकान बनाता है, उसका सर्विस है, जॉब है। कुछ ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं जो झोपड़ी बनाते हैं, उसका जॉब है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, गेट बनाते हैं, पल्ला बनाते हैं, बुक बनाते हैं, सब क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्क करते हैं, सुरती बीड़ी इत्यादि जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैर कृषि कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक और है, हम आपसे बता रहे हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल की बात हो रही थी। अब फॉर्मल किसे कहते हैं, इनफॉर्मल किसे कहते हैं और नॉन फॉर्मल किसे कहते हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है, थोड़ा सा तेजी में फास्ट में आप लोग लिखते चलिए। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है जी प्रिंस। हाँ संतोष जी, आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर भटक रहा है, ज्यादा भटकाने की जरूरत नहीं है। हाँ बबीता, ध्यान दो, नोट करते चलो। फर्स्ट में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक, लिखते चलिए, एक में लिखिए औपचारिक, औपचारिक एजुकेशन, शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, जिसको इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। औपचारिक शिक्षा जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन किसको बोलते हैं, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, फॉर्मल एजुकेशन उस शिक्षा को कहते हैं जिसका निश्चित क्या होता है, ऑल चीज होता है। फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन उस शिक्षा को कहते हैं जिसका सभी चीज क्या होता है, निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। अब उसमें कौन कौन से आ जाएगा, अब विद्यालय क्या होता है, टाइम टेबल से चलता है, समय से आना है, समय से जाना है, वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, लिमिट भी है कि कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, किनकी घंटी कब है, जैसे पता चलता है कि फोर्थ घंटी लगी तो क्या हुआ, अनुभव हो गया कि हाँ अशरफ सर आएंगे, ठीक है। मानते कि जैसे फिफ्थ घंटी लगी हमको लगा कि रीना मैम आएगी, क्या होता, हम क्या करते हैं, अनुभव क्या करते हैं, तो आप अनुमान पहले से लगाकर बैठे हैं, और जिससे क्या करते हैं, कुछ नया चीज हम सीखते हैं, और उस सीखी हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, चलिए नोट करते चलिए, कि औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं, औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसका जिसका निश्चित स्थान समय क्या होता है, पाठ्यक्रम इटीसी होता है, उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जैसे स्कूल, ठीक है, उस शिक्षा को क्या बोलेंगे, औपचारिक शिक्षा बोलेंगे, ठीक है। चलिए आज कल हम लोग इतना ही देखें, कल देखेंगे क्या के इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फिर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लासेस को एंड किया जाए, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो YouTube चैनल चाणक्य बीएड कॉलेज या अशरफ चाणक्य
बेतिया के नाम से भी क्या कीजिए, सर्च कीजिए और देखिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी मेहनत है तो आपकी बदौलत है। जब आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, तो हमको भी लगेगा कि हाँ बच्चे इसको समझ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो इस पे हम भी क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।